तो जीएन आर जो है ये है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और ये गोनाडोट्रोपिंग रिलीजिंग हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ट्रिगर आउट करते हैं गोनार्स को और गोनार्ज को ट्रिगर आउट करने के बाद उससे हार्मोन को निकालते हैं जो कि प्राइमरीली होता है एफ एस एच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और मेल्स में ये होता है एल एच जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है और फीमेल में भी LH पाया जाता है इसलिए दोनों को ही हम कंसिडर कर सकते हैं तो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यही हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है नेक्स्ट एमनियन ऑफ मेमिलियन एम्ब्रायो इज डिराइव फ्रॉम एंडोडम एंड ट्रोपोब्लास्ट लेकिन एमनियन का अगर बात करते हैं तो एमनियोटिक लेयर जो होता है ये एक ऐसा लेयर होता है जो कि कवर अप करते हैं एम्ब्रायो को और उसे प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन तो इनका जो कवरिंग प्रोड्यूस होता है ये बेसिकली होता है फ्रॉम द मेसोडम ना कि एंडोडम से इसलिए ये ऑप्शन जो है वो हमारा गलत ऑप्शन है नेक्स्ट है इन स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स आर स्पर्मेटोजेनेसिसम्ड वेल इन आर पर लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस का अगर बात करें तो यहाँ पे फॉर्मेशन जो है वो होता है स्पर्म्स का और हेप्लॉयड स्पर्म्स के फॉर्मेशन को ही हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं वहीं स्पर्मिएशन जो है ये मैच्यूरेशन को कहा जाता है जब मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म्स पाए जाते हैं नेक्स्ट है सेलुलर लेयर कॉल कोरोना रेडियाटा लेकिन कोरोना रेडियाटा जो है ये सेलुलर लेयर होता है और ये जिस सेलुलर लेयर से पाए जाते हैं उसको हम लोग क्यूमुलस ओ फोरस के नाम से जानते हैं और ये क्यूमुलस ओ फोरस जो होता है ये बेसिकली सिक्रीट होता है जैसे कि कोरोना रेडिएट टाइप प्रोटेक्टिव लेयर बनता है फ्रॉम द इनर मोस्ट साइड तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है और उसी को हम यहाँ पे टिक कर लेंगे क्लास 6 12 से 12th तक अगेन नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स कवर हो आज ही डाउनलोड करें डाउट नट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर